मेरे प्यारे किशन भाइयों, ताजुद्दीन फ्रूट नर्सरी में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जो फ्रूट मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये थाई कलापति चीकू फ्रूट है। तो ये जो फ्रूट मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा वैरायटी है और मार्केट में इस फ्रूट का डिमांड के बारे में बोले तो डिमांड भी बहुत ही अच्छा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रूट, और क्वालिटी भी देखिए फ्रूट का, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और कैसे गुच्छे में फ्रूट लगा हुआ है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए फ्रूट का क्वालिटी देखिए। ये थाई कालापति चीकू फ्रूट है। तो ये बहुत अच्छा वैरायटी है और मार्केट में इस फ्रूट का डिमांड के बारे में बोले तो डिमांड भी बहुत ही अच्छा है। तो ये जो फ्रूट मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस फ्रूट का मीठास के बारे में बोले तो मीठास इसका बहुत ही बढ़िया रहता है और खाने में ये फ्रूट बहुत ही टेस्टी होता है। ठीक है, तो अगर कोई किसान भाई खेती बाड़ी करने के लिए ऐसे फ्रूट प्लांट्स लेना चाहते हो तो आप लोग ताजुद्दीन फ्रूट नर्सरी पे कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को ताजुद्दीन फ्रूट नर्सरी पे ऐसे थाई कालापति चीकू फ्रूट प्लांट्स अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फ्रूट्स ऑलरेडी इस पेड़ पर लगा हुआ है। तो जिस पेड़ पर फ्रूट अभी लगा हुआ है, इस पेड़ का उम्र 3 साल, और 3 साल का पेड़ में अभी कम से कम 200 से 300 के आसपास फ्रूट लगा हुआ है। तो मैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मात्रा में इस पेड़ पे फ्रूट लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा वैरायटी है, और ऐसे जो फ्रूट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ऑल टाइम इसमें ऐसे फल फूल फ्लावर आते जाते रहता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा वैरायटी है और मार्केट डिमांड इसका बहुत ही अच्छा मिलता है, ये थाई कालापति चीकू का। तो अगर कोई नर्सरी वाले होलसेल प्राइस में थाई कालापति चीकू प्लांट्स लेना चाहते हो तो आप लोग ताजुद्दीन फ्रूट नर्सरी पे कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को ताजुद्दीन फ्रूट नर्सरी पे ऐसे फ्रूट प्लांट्स अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्वालिटी देखिए फ्रूट का, बहुत सुंदर क्वालिटी वाला फ्रूट है। यहाँ पे भी देख सकते हैं हर डली पे फ्रूट ही फ्रूट लगा हुआ है, और इससे कम से कम 50-70 प्लांट सॉरी प्लांट नहीं फ्रूट ऑलरेडी हमने हार्वेस्ट कर लिया है, जो कि मैच्योर हो गया था। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो इस पेड़ पे और भी ज़्यादा फ्रूट था। तो अगर कोई किसान भाई खेती बाड़ी करने के लिए लेना चाहते हो तो आप लोग ताजुद्दीन फ्रूट नर्सरी पे कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को 100% ओरिजिनल वाला प्लांट थाई कालापति चीकू प्लांट ताजुद्दीन फ्रूट नर्सरी पे मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए